अरे ऋषि साहब ये क्या नाटक है, क्यों क्यों कोई कोई राजा राजा महाराजा आ रहा है क्या? बट ऐसा मत करो, आगे रुकू क्या कष्ट हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की छवि सख्त प्रशासक के रूप में है और वो अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के करते हैं। काम में तो कोताही उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, खासकर जनता को होने वाली परेशानी की शिकायत उन तक पहुंचने पर फौरन कार्रवाई होती है। हालांकि ऐसा होने के बावजूद वो कभी आपा नहीं खोते, लेकिन कल उनका एक ऐसा रूप देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल आप वीडियो में देख सकते हैं कि सीएम हेमंत बिस्वा अपने गार्डों से घिरी सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं जब वो पुलिस अधीक्षक को बुलाते हैं। नौगांव के डीसी को नोटिस करने पर सीएम ने उन्हें बुलाया और बोला, अरे डीसी साहब ये क्या नाटक है, क्यों गाड़ी रुकवाए हो, कोई राजा महाराजा आ रहा है क्या? ऐसा मत करो, लोगों को कष्ट हो रहा है, गाड़ी जाने दो। एसपी को बुलाओ। अरे डीसी साहब ये क्या नाटक है, क्यों क्यों गाड़ी रुकवाए है, कोई कोई राजा राजा महाराजा आ रहा है क्या? बट ऐसा मत करो, आगे रुको क्या कष्ट हो रहा है, बोला गाड़ी जाने दो। दरअसल नगांव जिला और पुलिस प्रशासन ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के सुरक्षा उपाय के रूप में नगांव कॉलेज के पास वाहनों की आवाजाही को रोक दिया था, जिससे सीएम काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने चीख कर अपने डीसी को डांटा और ऐसी हिदायत दी जो उस एक क्लास अफसर को हमेशा याद रहेगी। अरे डीसी साहब ये क्या नाटक है, क्यों क्यों कोई राजा राजा महाराजा आ रहा है क्या? बट ऐसा मत करो, आगे रुको क्या कष्ट हो रहा है, पूरा गाड़ी जाने रहा। इस वाक्य के बाद असम के सीएम ने ट्विटर कहा, मैंने यात्रा के दौरान लोगों को परेशान न करने के साफ निर्देश दिए थे, इसके बावजूद ट्रैफिक रोका गया, इसलिए मैंने अधिकारियों को फटकार लगाई। 15 मिनट से ज्यादा समय तक नेशनल हाईवे को एम्बुलेंस समेत सभी वाहनों के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। इस तरह का वीआईपी कल्चर आज की असम में स्वीकार्य नहीं है। ये मामला होने के बाद सीएम ने एक और ट्वीट किया और लिखा, अपने राज्य में हम एक ऐसी संस्कृति बनाना चाहते हैं जहां किसी भी तरह के बैकग्राउंड या लोकप्रियता होने के बावजूद डीसी एसपी या कोई भी सरकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि सिर्फ लोगों के लिए काम करेगा। मानसिकता बदलना आसान नहीं है, लेकिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। जनता ही जनार्दन है। असम के मुख्यमंत्री की इस वीडियो को देखकर लोग सोशल मीडिया पर उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। हर कोई उनके इस रवैये को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी कर रहा है। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।